और बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। बीआरएस की नेता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। बीआरएस की नेता के कविता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। 18 दलों के नेता प्रदर्शन में शामिल है। शराब घोटाले में के कविता को ईडी ने दरअसल समन दिया था और कल ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। 11 तारीख को उन्हें पेश होना है और उससे पहले ये प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं कि कविता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। जानकारी यह है कि इसमें 18 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं वुमन रिजर्वेशन बिल को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। ये महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है कि पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, कल ईडी के सामने पेशी से पहले आज शक्ति प्रदर्शन है या ये पहले से निर्धारित था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ये प्रदर्शन होगा? देखिए, संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, इसके ठीक पहले ईडी भी के कविता से पूछताछ करेगी। लिहाजा आप जंतर मंतर की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मकसद क्या है। हम सीधे आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, इस जगह पर जो है बीआरएस के अलावा तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, 18 प्रतिनिधि शामिल है। कहा यह जा रहा है बीआरएस की तरफ से कि ये महिला आरक्षण बिल के लिए ये प्रदर्शन है, धरना है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इसमें शामिल नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि संसद सत्र के पहले 18 पॉलिटिकल पार्टियों को जनता मंत्र पर लाकर विरोध प्रदर्शन करना और ठीक उसके पहले जब बीआरएस के नेता से ईडी पूछताछ करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी आप कह सकते हैं राम इसको, कि तमाम विपक्षी दल जो है जंतर मंतर पर जमा है राम। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल क्योंकि पेश होना है ईडी के सामने, कल की तारीख तय की गई थी, उससे पहले ये 18 दलों को जोड़ना और ये आह्वान करना कि विपक्षी नेताओं को वहां पर आना है। और हम देख भी पा रहे हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या तस्वीरों के जरिए आप दिखा पाएंगे जिस शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के कविता की तरफ से की जा रही है, क्या वो हो पा रहा है? देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जंतर मंतर की, कि जिस जगह पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। देखिए, आपको बता दें कि सीताराम येचुरी को आप देख सकते हैं आज का इनिशिएटिव लेने और बीआरएस के नेता इस जगह पर नजर आ रहे हैं। बाकी अलग अलग जो दावा किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता शामिल हुए हैं, उन्होंने अपना एक या दो लीडर या अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजा है, यानी उन पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता इस जगह से नजर आ रहे हैं। बीआरएस की तरफ से पहले भी कोशिश की थी बीजेपी के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर आए और अपना कहीं ना कहीं विपक्ष कोशिश करता है, लेकिन जब एन मौका आता है तो दोफाड़ हो जाती है। इस जगह भी आप देखिए आपको सिर्फ सीपीएम के सीताराम येचुरी नजर आ रहे हैं, बीआरएस के नेता नजर आ रहे हैं, बाकी अलग अलग जो दावा किया जा रहा है कि 18 पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हो, उनका नजर नहीं आ रहा है। इससे लगा सकते हैं कि हम माता का लेते हैं, जरूर करना है सरकार के खिलाफ एक जो हमारे संस्कृति में कहीं ना कहीं शामिल है। जब आता है माता पिता कहेंगे तो विपक्षी पार्टियां आपस में राधे श्याम कहते हैं, इस जगह आप देखिए सिया राम कहते हैं, बोल रही है पार्वती परमेश्वर कहते हैं, नजर आ रहे हैं इस तरीके से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्रतिनिधि और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सपा क्षेत्रों में या फिर टीएमसी या फिर एनसीपी एनसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिसका दावा जिस तरीके से जिस रफ्तार से पर है पूरी दुनिया कोई बड़ा चैलेंज इस जगह पर नजर नहीं आएगा, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है तो फिलहाल इसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी। जो धरना स्थल है वहां से ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और के कविता, इस वक्त जो तमाम विपक्षी नेता और उनके समर्थक वहां पर जुटे हैं उनको संबोधित कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद के कविता को यह डर तो जरूर सता रहा है ब्रह्म प्रकाश दुबे कि अगर मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हो सकते हैं तो अगर उन्हें लेकर पर्याप्त सबूत हुए तो फिर उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।